उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में किसानों का गन्ना भुगतान ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत वोल्टेज कम आने के विरोध में RALD ने दिया ज्ञापन। आपको बताते चलें, राष्ट्रीय लोकदल जनपद बरेली ने किसानों की समस्याओं 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष मोहम्मद मतलूब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष मतलूब ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के वर्तमान सत्र का गन्ना मूल्य बकाया और जिसका भुगतान ना होने से किसान भाइयों को विभिन्न खर्चों के संदर्भ में अत्यधिक परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है, जैसे बच्चों के स्कूल का शुल्क, शादी विवाह तथा दवाइयों के साथ साथ दैनिक खर्चे के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं मोहम्मद मतलूब, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल बरेली। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन माननीय DM साहब के द्वारा भेजा गया है। इसमें मुख्य मांग गन्ने की समस्या, जो गन्ने का पूर्ण भुगतान है उसको जल्द से जल्द दिया जाए, और दूसरा जो है बिजली से समस्या कि लो वोल्टेज और बिजली कटौती से संबंधित हमने ज्ञापन दिया है कि उसकी समस्या पर जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वादा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, आज 12 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही, उस समस्या को हमारी पार्टी ने जल्द से उठाया है, उसको निस्तारण करने के लिए मांग की गई। सर्वेश पाठक, कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल। मांग ये है, सबसे पहला मुद्दा ये है कि आजकल जो बिजली की समस्या है, स्मार्ट सिटी के नाम पर बरेली में करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। पुराने तारों को, जो जर्जर तार हो चुके हैं, उनको बदलवाने का कोई प्लान नहीं है इस सरकार के पास। ट्रांसफार्मर कम क्षमता के हैं, वो ही चल रहे हैं जो लगे हुए हैं पहले से। हम ये चाहते हैं कि ये पुराने जर्जर तार हैं उनको बदलवाया जाए, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए और 24 घंटे जनपद बरेली में बिजली की व्यवस्था की जाए, तब ये सुधार बिजली का होगा। बार बार कटौती से लोग परेशान हैं। और एक मेरा अनुभव और है, मैं और ही बताना चाहता हूँ, इस बिजली कटौती से परिवारों में झगड़े चालू हो गए, बच्चे परेशान टेंशन में, बीवी परेशान टेंशन में और सब परेशान टेंशन में। हमें ऐसा लगता है कि ये सरकार जनता को टेंशन देने वाली सरकार है। दूसरी बात, सरकार ने ये वादा किया था कि हम देहात को किसानों को बिजली फ्री देंगे, आज तक वो वादा सरकार ने नहीं निभाया। ऐसा ना हो कि 2024 में सरकार को वादा याद कराने के लिए मुहर दूसरी जगह लग जाए और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किसान मजदूर, गरीब मजदूर करेंगे, ये सरकार समझ ले। हमारी यही मांग है, किसानों की जो है गन्ने का भुगतान पेमेंट किया जाए मई ब्याज के, बिजली कटौती मुक्त की जाए, देहात में किसानों को बिजली मुफ्त दी जाए, बस इन्हीं शब्दों की।